नमस्कार, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर हथेली हमारे पास है और हथेली की आकृति अगर आप देखोगे तो चौकोर किस्म की और एक आयताकार किस्म की हमें लग रही है। मेहनती बहुत है, मेहनत से नहीं डरते हैं और सही दिशा की ओर मेहनत करते हैं। यहाँ पे ये आपकी हथेली बता रही है, एक योद्धा किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ हथेली में सर्वोपरि दिखाई दे रही है, आपके ग्रहों में अगर हमारी नज़र पड़ रही है तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा नज़र पड़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, एक तो इस क्षेत्र पर एक पूरा कट बना हुआ है और ये मंगल का क्षेत्र है, और दूसरा इस क्षेत्र पे अगर आप देखोगे बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत सारी रेखाएं काट रही है, यहाँ पे भी कट बना हुआ है, ये अच्छा नहीं होता है। ऐसे में मंगल जो है मारक अवस्था में बैठा होता है और मंगल के साथ साथ अगर आप देखोगी तो सभी उंगलियों का झुकाव भी यहाँ पे जो है बीच की उंगली की तरफ दिखाई दे रहा है और शनि यहाँ पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। शनि जो है बहुत दुर्बल अवस्था में है, नेगेटिव ऊर्जा आपको दे रहा है। वहीं जो है जो मंगल का कारक है, मंगल जो ग्रह है आपको यहाँ पे जो है मारक भाव में बैठे हुए हैं। देखिएगा, अगर मंगल इस तरह से बैठे हुए होते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मंगल के कारण व्यक्ति अपनी बात को रख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, चीज़ों को फेस नहीं कर पाते हैं और मंगल के कारण कॉन्फिडेंस लेवल व्यक्ति का कमज़ोर होने बैठ जाता है। क्योंकि ये आप जानते हैं ऊर्जा का कारक है, पराक्रम का कारक है, इसकी वजह से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। अगर देखा जाए इस मंगल अगर ये शारीरिक अगर विकार देता है तो ये नेत्र रोग की समस्या पैदा करते हैं, नज़र कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर व्यक्ति का बढ़ जाता है या घट जाता है उसकी समस्या देता है और कई बार जो है शरीर में कंपन की समस्या देता है। शारीरिक ताकत को मन की ताकत को भी कम करने का यहाँ पे मंगल काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार शरीर के जोड़ व्यक्ति के काम नहीं कर पाते हैं और व्यक्ति जो है उधेड़पुन में रहता है, कन्फ्यूजन की स्थिति में रहता है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर ये डालता है और मानसिक परेशानियों को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। और मंगल पे कट हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो है विवादों से बचना चाहिए, कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, उसका मामला बन जाता है अगर मंगल इस दशा में हो, मारक भाव में अगर आपकी हथेली में बैठा हुआ हो। इसका मैं सुंदर उपाय दूंगा और इस उपाय को आपको ज़रूर करना है। यदि आप मंगल का उपाय कर लेते हैं, मंगल को शांत कर लेते हैं तो निश्चित ही इसके जो नेगेटिव प्रभाव हैं आपके जीवन से निकल जाएंगे और उसके जो है जो पॉजिटिव प्रभाव है वो आपके जीवन में आ जाएंगे। दूसरी बात, शनि की दशा देखें तो यहाँ पे सभी उंगलियों का जो झुकाव है कहीं ना कहीं बीच की उंगली की तरफ आ रही है। ऐसे में ये व्यक्ति के ऊपर शनि के नेगेटिव गुण डालते हैं और जब व्यक्ति के अंदर शनि के नेगेटिव गुण पड़ते हैं तो व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है। जीवन में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जीवन में खुशियों में कमी देखने को मिलती है और ये नौकरी का मालिक है शनि, और जिस तरह से यहाँ पे फूल रहा है बेवजह की चिंताएं शनि इस रूप में देता है और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा बैठ रहा है, गड्ढा नुमा दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति को धोखे ज़्यादा मिलते हैं और ऐसा व्यक्ति इस्तेमाल होता है जब शनि इस रूप में बैठा हो, उंगलियों का आकार से लेके और नीचे जड़ वाला भाग कहीं पे उठा हो, कहीं पे बहुत गहरा हो, तो व्यक्ति जो है एक तो बेवजह की चिंताएँ करता है, दूसरा जो है ऐसा व्यक्ति कई बार धोखा खाता है या इस्तेमाल ज़्यादा होता है।
तीसरी बात, ये नौकरी का मालिक होता है। नौकरी करने में, नौकरी पाने में और नौकरी बदलने में बहुत ज़्यादा समस्याओं की संभावना ऐसे में बढ़ जाती है। इसके लिए सुंदर और शांत उपाय वैज्ञानिक तरीके से यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होती है। अब देखो, ये ग्रह तो जो है आपके गलत प्रभाव आपके अंदर डाल रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई तो ऐसा ग्रह होगा जो अच्छा प्रभाव डाल रहा है, कोई तो ऐसी लकीर होगी जो अच्छा प्रभाव आपके जीवन काल में डाल रहा है। सभी बुरा प्रभाव तो नहीं डालते हैं। उन ग्रहों को भी अगर आपका देखा जाए तो सबसे पहले हम उन्हीं को देखते हैं। आप अपनी हथेली में सीधी तरह से देखो तो ये चंद्रमा का ग्रह है आपका। ये आपकी हथेली में सरल तरीके से देखें तो उठा हुआ भी है, सुंदर भी लग रहा है और एक सौंदर्यपूर्ण, एक सुंदर लग रहा है। कहीं पे कट का निशान नहीं है, कहीं पे रेखाएं नहीं है, कहीं पे जो है कोई ऐसा साइन नहीं बना है जिसके कारण हम कहें कि ये अच्छा नहीं है, या तो अति बली भी नहीं है, बहुत ज़्यादा उभरा नहीं है, गुब्बारा जैसा नहीं फैला है, बहुत ज़्यादा दबा भी नहीं है, बहुत सारी इसमें रेखाएं भी नहीं है। इसका मतलब आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है। और वर्तमान समय में जिस तरह से मंगल और शनि है उसके जितने कुप्रभाव आपके जीवन में पड़ रहे हैं उसको आपका मंगल ही, ये चंद्रमा ही बचा रहा है। चंद्रमा मानसिक रूप से मजबूती देता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर में समस्या हो भी जाए किसी ग्रहों की वजह से, लेकिन चंद्रमा इस स्थिति में वर्तमान समय में है कि ये मजबूती देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और चंद्रमा इस तरह से मजबूत होता है तो व्यक्ति का पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है, शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी बढ़िया हो जाता है। और चंद्रमा अच्छा होता है तो व्यक्ति जो है क्रिएटिव रहता है। चंद्रमा बढ़िया होता है तो अगर ऐसे व्यक्तियों की माँ होती हैं तो माँ का सुख मिलता है। चंद्रमा सुंदर है और भी अच्छी स्थिति में यदि आता है, खूबसूरत और सौंदर्यपूर्ण स्थिति में आता है तो जीवन में सकारात्मक सोच रहेगी और महिलाओं का सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। अब एक चीज़ और इसमें दिखाई दे रही है, देखिएगा कि जो आपकी मस्तिष्क की रेखा है ये इस तरह से जा रही है और ये निम्न मंगल से जा रही है। निम्न मंगल यहाँ पे काफ़ी भारी है, उठा हुआ दिखाई दे रहा है। और जब ये उठा हुआ होता है तो ये त्वरित निर्णय करने के लिए जो है व्यक्ति को उकसाता है। और जहाँ पे संपन्न हो रही है वो आपका चंद्र का क्षेत्र है, यहाँ पे व्यक्ति बहुत ज़्यादा कल्पनाएँ करता है। और जब ज़्यादा कल्पनाएँ हो जाती हैं व्यक्ति के अंदर और जो है त्वरित निर्णय लेने पे भी काम नहीं बनता है तो व्यक्ति अवसाद की स्थिति में जाते हैं और बुरे बुरे ख्यालात, बुरे बुरे विचार व्यक्ति के मन में आने बैठ जाते हैं, उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कई बार ऐसे व्यक्ति गलत कदम उठा लेते हैं और उस एक गलत कदम के कारण अपने स्वयं के विकास को या अपने जीवन को जो है ऐसे व्यक्ति दांव पर लगा लेते हैं। बड़ा सोचना समझना चाहिए, वैज्ञानिक उपाय किसी भी चीज़ का जो है ऐसा नहीं जिसका उपाय न हो। यदि कोई रोग होता है उसकी दवाई ज़रूर आती है, लेट सवेर आए लेकिन आती है। कोई ग्रह दोष होता है उसके उपाय पहले ही हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखे गए हैं, समय के अनुसार उनका रूटीन बदल जाता है लेकिन उपाय वही होते हैं। करने का ढंग थोड़ा सा अलग हो सकता है, उनको आप करिएगा, आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, अगर आप देखोगे आपकी जो हृदय की रेखा है कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पे ही, आपकी जो भाग्य की रेखा यहाँ पे जाके एकदम रुक रही है, फिर थोड़ा कट के जा रही है और फिर एक रेखा इस तरह से आ रही है। देखिएगा हृदय की रेखा दो चीज़ बता रही है, एक तो शनि पे ही आके रुक रही है, भाग्य रेखा इस पे आके एकदम रुक रही है। जब भी भाग्य रेखा हृदय रेखा पे रुकती है या भाग्य स्थान में कटती है तो व्यक्ति भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय ले लेता है और उसी गलत निर्णय के कारण स्वयं के विकास को अवरुद्ध करता है। ये चेतावनी भी देता है और ऐसा व्यक्ति अगर जल्दबाजी में निर्णय ले तो ये चीज़ हो जाती है।
दूसरी यहाँ पे ये है मगर थोड़ा आगे ठीक होने की कगार पे है, फिर सीधा नहीं जा रही है। अब दूसरा हृदय रेखा इस तरह से भी जाती हुई दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो इस पे दोनों ग्रहों का बल आ रहा है, आपके बृहस्पति जी का भी और आपके जो है शनिदेव जी का भी। जीवन काल में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होंगे इस ओर इशारा कर रही है, और वर्तमान समय में जो सोच है वो आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का प्रभाव आने के कारण जो आपकी इच्छा है वो टॉप लेवल तक पहुंचने की यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन शनि का बल आने के कारण और शनि जो है नेगेटिव अवस्था में होने के कारण व्यक्ति भाग्यवाद की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है, करने की कोशिश कर रहा है और ये सोच रहा है कि एन के एन प्रकार जो भी मुझसे बन सकता है मैं करूँगा और अपने टॉप लेवल तक निश्चित तौर पे पहुँचूँगा, या जो शनि जो है गलत चीज़ दे रहा है नौकरी चाकरी में जो अड़चन दे रहा है उसको दूर करूँगा, ये चीज़ ये रेखा बता रही है। अब थोड़ा सा और रेखाओं के अंदर भी चले जाए, देखिएगा यहाँ पे जो है इस तरह से एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो कह रहा है कि जीवन में निश्चित ही एक बार ज़रूर आप अपने जीवन में कोई भूमि खरीदेंगे, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब जीवन की रेखा देखें तो जीवन की रेखा सीधा पीछे की ओर आ रही है, यहाँ से जो है ये डबल होती हुई दिखाई दे रही है नीचे की तरफ। निश्चित तौर पे जीवन चाहे संघर्षों से घिरा रहे लेकिन जीवन निरंतर जो है प्रगति करेगा, और आपको अपनी ओल्ड एज में निश्चित रूप से यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि भव्य यात्रा का यहाँ पे मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दूसरी एक चीज़ और देखें, सबसे अच्छी अगर यहाँ पे रेखा देखी जाए तो आपकी मणिबंध की रेखा है जो यव आकार से बनी हुई, यहाँ देखो ना ये है इस तरह की जो है आपकी पूरी रेखा जो है यव के आकार की बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, यव के आकारों से बनी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में व्यक्ति अपने जीवन में धन धान्य भूमि भवन और विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति सभी ग्रहों के अनुकूल होने पर ऐश्वर्यवान जीवन व्यतीत करता है, लग्जरी जीवन ऐसा व्यक्ति व्यतीत करता है। ये बहुत अच्छी मणिबंध की रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब थोड़ा ग्रहों की ओर या उंगलियों की ओर आपकी चले तो देखें, फिर और जगह चलते हैं। देखिएगा आपकी जुपिटर माउंट की ये उंगली है इस तरह से जो है शनि की तरफ मुड़ी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ईश्वर के प्रति आस्थावान है, भगवान में भरोसा रखने वाले व्यक्ति हैं, धार्मिक भावनाएं बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी छोटी होने के कारण किसी चीज़ में ज़्यादा रुचि वर्तमान समय में नहीं दिखाई दे रही है। शनि की उंगली अगर देखें तो इस तरह से मुड़ी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं सूर्य की तरफ मुड़ती हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही, जब बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती तभी आपको अपने कार्यों का फल मिलता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपको कुछ भी पाने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखो जो रिंग फिंगर है वो अच्छी खासी लंबी दिखाई दे रही है, जो हिम्मती स्वभाव को बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। इंडेक्स फिंगर जो है आपकी उससे बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से हल्की छोटी दिखाई दे रही है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, आप निश्चित तौर पे आने वाले समय में या इससे पहले मान प्रतिष्ठा के रूप में फेम पाने वाले लोगों में से और सरकार द्वारा लाभ पाने वाले लोगों में से एक है, लेकिन वर्तमान समय में ये थोड़ा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो एकाएक कहीं से धन मिल जाए इसकी जो है सोच ज़्यादा रह सकती है। वहीं कनिष्ठा उंगली देखें, कनिष्ठा उंगली आपकी अच्छी खासी लंबी दिखाई दे रही है, और देखिएगा जब कनिष्ठा उंगली इस तरह से लंबी होती है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे, आप प्रैक्टिकली रूप से देखना, सरकारी क्षेत्र में या प्राइवेट क्षेत्र में अधिकारी होता है, या ये व्यक्ति अगर नौकरी न कर रहा हो तो व्यापारी होता है,
श्रेष्ठ और सफल व्यक्तित्व आपका आने वाले समय में भी रहने वाला है। इस और आपकी हथेली यहाँ पे इंगित करती हुई दिखाई दे रही है। अंगूठा आपका लचीला है और परिस्थिति के अनुसार ढलने वाले व्यक्तित्व को ये यहाँ पे बता रहा है। अब कुछ और ग्रहों की ओर चले, देखिएगा आपका जो ये शुक्र है, शुक्र आपके अच्छी अवस्था में है, सुंदर अवस्था में है। शुक्र थोड़ा सा जो यहाँ पे जो है बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण ये मानसिक दबाव देता हुआ वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी थोड़ा सा जो है आपके नज़रिए से अभाव की स्थिति देता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखें, वैसे देखें तो पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहने वाली है, सुंदर व्यक्तित्व रहने वाला है, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहने वाला है और आने वाले समय में भौतिक सुख सुविधाएँ भी अच्छी रहेंगी। वर्टिकल लाइनें इस तरह से दिखाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं जो है अपने काम के प्रति जुझारूपन दिखाई दे रहा है और जिस काम को हाथ में लेते हैं जब तक वो पूरा नहीं होते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। बाकी मंगल के बारे में मैंने बता दिया, ये जुपिटर का माउंट है। थोड़ा सा आप इसको देखोगे तो शनि की तरफ ढला हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे में हल्के रूप में ही सही, लेकिन पारिवारिक समस्याओं का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। हाँ, ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। धन के मामले में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, प्रतिष्ठा के मामले में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा अनुकूल करने पे अपने से बड़ों का, चाहे पद में बड़ा हो चाहे उम्र में बड़ा हो, उन लोगों का साथ आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो, या चिकित्सा के क्षेत्र में हो, या कोई बृहस्पति से संबंधित प्रतिष्ठित क्षेत्र में हो, तो वहाँ पे आपको आने वाले समय में कामयाबी मिलेगी। शनि थोड़ा आपका गड़बड़ है, जो नौकरी के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में या किसी न किसी रूप में अड़चन आपको बहुत ज़्यादा देता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस तरह से जो है यहाँ पे उठा हुआ है तो बेवजह की चिंताएं देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सूर्य आपका जो है लगभग अनुकूल ही है, बहुत ज़्यादा जो है ये समस्या पैदा नहीं कर रहा है, लेकिन कभी कभार आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय आपको नहीं मिल पाता है। जितनी आपके अंदर योग्यता है, जितनी क्वालिटी है, वो योग्यता और क्वालिटी के हिसाब से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं। इसके मैं उपाय देता हूँ आपको। बुध देखें तो यहाँ पे थोड़ा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, जिस कारण व्यक्ति अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से नहीं रख पाता है या उसकी वाणी जो है उतनी सम्मोहनजनक नहीं रह पाती जिससे लोग अट्रैक्ट रहें। लेकिन बाकी चीज़ें देखें तो मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में जो है माहिरता हासिल है। सामने वाले को किस तरह से प्रभावित करना है, ये आपके अंदर गुण तो हैं, व्यापार के गुण भी हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से आप प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। आपका ऊपरी मंगल आपके अंदर थोड़ा चिड़चिड़ापन और हल्के तरह से गुस्सैल स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए, मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण कर दिया है, साथ में विधि पूर्वक लिख करके उपाय दे रहा हूँ, उनको उसी ढंग से करिएगा। शनि के अनुसार थोड़ा नौकरी चाकरी में जो है हल्के रूप से 2.5 सालों तक निश्चित रूप से अड़चन रहेगी, लेकिन शनि का उपाय अगर आप करते जाएं तो नौकरी में कोई समस्या की संभावना नहीं रहेगी। धन के मामले में ओल्ड एज में अगर देखा जाता है तो थोड़ा सा जो है इन दोनों उंगलियों के बीच यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है, थोड़ा संघर्ष तो रह सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। सबसे बड़ी बात है आपकी करियर की रेखा, ये रेखा जो है बड़े उथल पुथल आपके करियर के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में करती हुई दिखाई दे रही है। इसका उपाय आपको करना ही करना है। बाकी जो सोच है और जो मंगल और शनि है, इन दोनों का उपाय करने पे जीवन की सारी समस्याएं खत्म होंगी, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।